एंड गाइज अभी तो यहाँ 7:30 हुए हैं, आज फ्राइडे की नाइट है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग्स। गाइस फाइनली अभी मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन पूरा कर लिया है, तो चलो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। 2000 years later. सो गाइस देखिए अभी फाइनली मेरा लंच टाइम भी हो गया है, तो यहाँ पे आज मैंने बनाया है कोफ्ते, मस्त, और आलू भी है, देखो रोटी है, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अपने कर्ड ले ली है, तो चलो अभी फिलहाल लंच करते हैं। सो गाइस देखिए आज हम का व्रत था, हमने प्रसाद में लड्डू बनाए थे, उन्होंने भोग भी लगा दिया है, तो चलो अभी हम खाते हैं लड्डू। गाइस आज तो मैंने घर से ही काम किया था अपने ऑफिस वाला, तो बाहर तो जा नहीं पाया, बट जैसे ना मतलब हम लोग अभी घर में थे तो बच्चों ने थोड़ा सा विंडो वगैरह से देखा और बहुत ज्यादा मतलब ये लोग तो डिसअपॉइंट हो रहे हैं। मतलब जैसे रात हम लोग देख रहे थे, जब हमने अपने व्लॉग में भी आपको दिखाया था, बहुत अच्छी स्नोफॉल हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी फ्लेक्स गिर रही थी, और हम लोगों ने तो मतलब ड्रीम्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे कि गाइज अगर इसी तरीके से स्नोफॉल होती रही रात में और दिन में भी थोड़ी बहुत हुई तो हमारा वीकेंड के लिए मतलब बहुत अच्छा एक ऐसा हो जाएगा कि हम जा करके स्कीइंग स्नो ट्यूबिंग कर पाएंगे। बट मुझे लग रहा है कि हम लोग सोए होंगे रात में और उसके बाद में स्नोफॉल रुक गई, और भाई दिन में तो बिल्कुल भी कुछ दिखा ही नहीं है, ऐसा ऐसे लग रहा है कि खत्म सा हो गया। हालांकि मैं अभी जाऊंगा YMCA वर्कआउट करने के लिए, तो तब ज्यादा पता चलेगा कि बाहर एक्चुअल में क्या है, विंडो से तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। विन्नी कैसा लग रहा है कि मतलब अब नहीं हो पाएगा ना वीकेंड पे जाना स्नो ट्यूबिंग के लिए? मेरे को तो बताओ होप्स लग गई थी कि दोबार से कि स्नोफॉल हो गई, अरे यार अब इतना विंटर का बताओ था कि तो होप्स हो गई थी कि स्नोफॉल हो गई तो चलो अब स्कीइंग करने जाएंगे कुछ दिनों बाद, लेकिन आज तो उठ के देखा कि वो वही पहले की तरह ही हो गया, वो थोड़ी देर में स्नो मेल्ट हो जाएगी थोड़े दिनों में। एंड गाइज पता है देखो ये तो मतलब हमारा हो गया, चलो ठीक है, हमें इससे क्या अभी डिसएडवांटेज होने वाले हैं, जो एक फन है मतलब वो चीज हम नहीं कर पाएंगे। बट पता है मैं ऐसे न्यूज में यहाँ पे सुन रहा था, वो लोग कह रहे थे कि जिस तरीके से यहाँ पर ना विंटर में तो बिल्कुल भी एग्रीकल्चर होती नहीं है, ठीक है, बट अगर आपने हमारे पुराने व्लॉग्स देखे हो जब हम लोग बैंफ पर गए थे तो हमने दिखाया था कि रास्ते में ना बहुत सारी ऐसी उन्होंने कर रखी है एग्रीकल्चर, जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पे सरसों होती है बिल्कुल उसी तरीके से, शायद हो सकता है यहाँ पे उसको कुछ और नाम भी बोलते हैं, बट बिल्कुल ऐसे लग रहा था क्योंकि हम लोगों ने तो दूर से देखा था उसको, हम जब अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे तब ने वहीं से देखा था, बिल्कुल येलो येलो कलर के से फ्लावर्स थे जो मतलब होते हैं यहाँ समर में, यहाँ ये लोग अपनी खेती वगैरह करते हैं। तो मैंने जो न्यूज में देखा था उसमें मतलब उन्होंने बताया कि ये अभी स्नोफॉल ना होने से इनको समर में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज ये जो जिस तरीके से स्नो यहाँ पर मतलब एक्यूमुलेट होती रहती है और धीरे धीरे जैसे फिर मतलब ये समर की तरफ बढ़ते हैं ना, तो यही जो स्नो इनके लिए मतलब जमी रहती है तो वो उस टाइम पर इनको अच्छा खासा मतलब एक इरिगेशन का मतलब काम करती है, तो इसी से वो जो मतलब अंदर एक तरीके से सिंचाई के लिए इनका बन जाता है थोड़ा सा, मतलब एक वेट हो जाती है जमीन और बाद में पानी मिलता है, तो वो उस पर बहुत डिपेंडेंट होते हैं। मैंने मतलब जब वो चीज सुनी तो मुझे थोड़ा सा और खराब फील हुआ। तो गाइस जैसे आज अभी फ्राइडे इवनिंग है तो हम लोग का तो पूरा प्लान बन रहा था कि हम लोग कल सैटरडे या फिर जैसे सैटरडे का देख करके फिर हम लोग संडे जाएंगे यहाँ पर स्नो ट्यूबिंग वगैरह करने के लिए, तो आज अभी उस चीज के बारे में मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि अब अगले दो दिन में हमारा क्या होने वाला है ना मीनू, अब तो नहीं डिसीजन ले सकते ना फिलहाल, तो है नहीं स्नो दिखाई नहीं रहा, तो अब तो वेट करना पड़ेगा कि अगर कुछ हुआ ऑटोमेटिकली मतलब आज रात में या फिर कल सैटरडे में कुछ हुआ देन फिर हम लोग संडे में जा पाएंगे, नहीं तो गाइज पता नहीं कि फिर अभी कब होने वाला है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द वेदर, फिर उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग मतलब एंजॉय कर पाते हैं आगे। सो गाइज अभी मैं चल रहा हूँ YMCA वर्कआउट के लिए, और हाँ जैसे मतलब अभी कल तक स्नोफॉल नहीं हुई थी तो मैं नॉर्मली अपने जो स्पोर्ट्स शूज थे उनको पहन के निकल जाता था और उन्हीं को YMCA में यूज कर लेता था मैं वहां पे थोड़ा सा अपने करने के लिए वर्कआउट को, बट अभी चूंकि स्नो हुई थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब बाहर मुझको आईसी मिलेगा अभी, तो मैं आज अपने जो स्नो शूज है वो डाल के जाऊंगा और फिर अपने कैरी करके जाऊंगा स्पोर्ट्स शूज को, जिससे कि मैं YMCA जा करके चेंज कर लूं और फिर यूज करूं। अभी बाहर चलते हैं देखते हैं कि अभी बाहर का कैसे मतलब हाल हो रहा है। गाइस अभी जस्ट मैं अपनी बिल्डिंग से बाहर ही निकला हूं और यहां पे देख के तो लग रहा है कि वाकई में ये तो हमारे यहां से जाने के थोड़ी देर बाद में ही शायद हो सकता है स्नोफॉल रुक गई थी। ये अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो हार्डली मतलब ऐसे लग रहा है कि शायद 1-2 सेंटीमीटर जितनी ही यहाँ पर बस है स्नोफॉल। एंड गाइज ये इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इसमें अच्छे से स्नो ट्यूबिंग और जो है स्कीइंग वगैरह की जा सके, तो मुझे लगता है कि शायद अब तो वेट करने के अलावा और कोई चारा है ही नहीं है हमारे पास में। एंड गाइज जब यहाँ पर बहुत अच्छी स्नोफॉल होती है, काफ़ी ज़्यादा मोटी मोटी मतलब स्नो पैक्स बन जाती हैं, तो उस पर उस टाइम पर यहाँ सड़कों पर चलना मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जो म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ पर आकर के सैंड्स वगैरह डालती हैं सड़क के ऊपर, जिससे कि जो गाड़ियाँ चल रही हैं
उनको मतलब प्रॉब्लम ना हो, उनको फ्रिक्शन मिल जाए थोड़ा अच्छे से, तो सॉल्ट और सैंड वगैरह वो सब यहाँ पे डालते हैं। गाइज मोस्ट ऑफ द हिस्से पे तो यहाँ देख के लग ही नहीं रहा है कि आज स्नोफॉल हुई भी है। देखो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है एकदम से, यहाँ पर तो पूरी सड़कें बिल्कुल एकदम से ऐसा है हुई ही नहीं है स्नोफॉल। एंड गाइज अभी तो यहाँ 7:30 हुए हैं, आज फ्राइडे की नाइट है, तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि जब फ्राइडे का टाइम होता है लोग ऑफिस के बाद में निकलते हैं घूमने फिरने के लिए, पर चूँकि विंटर है तो ऐसे मतलब नॉर्मली सड़क पर नहीं दिखाई दे रहे हैं लोग। जो यहाँ पर कैफ़े रेस्टोरेंट इस तरीके से हैं वहाँ पर लोग मतलब बैठ जाते हैं और अपना मज़े करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ में। तो यहाँ पर काफ़ी सारी हैं इस तरीके के रेस्टोरेंट्स और कैफ़े वगैरह इस रोड पे, जहाँ पर लोग इस तरीके से आते हैं एंजॉय करते हैं। और जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ ये जैस्पर है, यहाँ पर जैस्पर रोड बोलते हैं बेसिकली इसको, एडमिंटन डाउन टाउन के अंदर। यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं जिनमें से कुछ मतलब चाइनीज़ और आपके जैपनीज़ वगैरह भी हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब आते हैं जो उस कम्युनिटी के हैं स्पेशली अपने वाले फूड को टेस्ट करने के लिए इस इलाके में। तो मैं अभी यहीं पर ही हूँ जैस्पर वाले इस पे, और इसी पर ही साथ में वो टिफ़िन वाला रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर नॉर्मली हम अपना इंडियन वाला फूड भी मतलब टेस्ट करते हैं, और एक रेमेडी नाम से कैफ़े भी है भाई, वहाँ के छोले भटूरे बहुत फेमस हैं, हमने भी वहाँ के टेस्ट किए हैं। जब भी कभी मन करता है छोले भटूरे के लिए तो हम वहाँ पर जाना प्रेफर करते हैं। गाइज मैं जस्ट अभी वर्कआउट करके पहुंचा हूं घर पर, मुझको बहुत तेज भूख लग रही है। आज मीनाक्षी ने बनाए हुए हैं लड्डू, चलो फटाफट लड्डू लेते हैं, लड्डू खाते हैं। तो गाइज मेरे फैमिली मेंबर तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजकुमार मीठे का बहुत शौकीन है, तो मैं तो जब भी कभी मतलब अपने घर पे होता हूँ तो मम्मी भी मतलब कुछ ना कुछ बनाती रहती है मीठे का, और कहीं अपने मतलब मैं रिलेशन में जाता हूँ तो वहां पर भी वो लोग कुछ ना कुछ बना लेते हैं इस तरीके से। और आज तो ये लड्डू तो भाई मतलब बहुत टेस्टी लग रहे हैं, मस्त मजेदार है एकदम। क्या क्या डाला है इस लड्डू में? लड्डू में गुड़ के लड्डू हैं, ड्राई फ्रूट तले हुए हैं सारे, और चीनी के नहीं है, हेल्दी है एकदम। हाँ गुड़ है तो मतलब जाहिर सी बात है तो चीनी के मुकाबले तो एडवांटेज हो ही गया अगर गुड़ के हैं। और मुझे थोड़ा सा इसमें गोंद का भी टेस्ट आ रहा है, वो भी डाल रखी है क्या? वो भी डाली है। अच्छा वो अच्छी होती है सर्दियों में ना, ये सारी चीजें अच्छी होती हैं। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन ड्राई फ्रूट्स को मतलब एक तरह से क्रश करके, ना पहले तो उनको मैंने फ्राई कर लिए थे घी में। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने क्रश करके फिर मैंने डाली इसके अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ व्रत में कुछ ना कुछ बनाती हूँ मैं, कभी खीर बना लेती हूँ, कभी लड्डू, कभी कसार, वो प्रसाद होता है जो, आज मैंने लड्डू बना लिए भोग के लिए। विंटर ब्रेक भी पूरा होने वाला है, लाइक ऑलमोस्ट हो गया है, बिकॉज नेक्स्ट मंडे हमें स्कूल जाना है और हमारे सिर्फ 2 डेज बचे हैं जो कि मतलब वीकेंड का पार्ट है। सो सैटरडे संडे बचा है, उसके बाद तो मंडे को हमें स्कूल जाना है। पिछले साल से मैं सोची थी कि विंटर वीकेशन आएगी, हम लोग स्कीइंग वगैरह करने जाएंगे, लेकिन इस बार तो स्नो ही नहीं पड़ी। हम लोग सोच रहे थे चलो इस बार विंटर वीकेशन पड़ी वीकेंड पर चले जाएंगे, लेकिन उसका भी टाइम नहीं मिला, तो बिकॉज स्नो ही नहीं हो पाई तो उसकी वजह से हम लोग कहीं भी नहीं जा पाए, और विंटर वीकेशन भी बस ओवर ही होने वाली है। चलो अभी फिलहाल मिल्क पीते हैं। सो गाइस अभी फाइनली मिल्क टाइम ही हो गया, तो मैं सीरियल भी डाल रहे हैं अपने चॉकलेट वाला, तो चलो अभी मिल्क पीते हैं। सो गाइस अभी फाइनली नाइट टाइम हो गया, अभी मैं अपनी बुक पढ़ने वाली हूँ, उसके बाद मैं सोऊंगी। सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जो करना, चैनल को सब्सक्राइब जो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।